आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। तो हेलो दोस्तों, आदिपुरुष के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के डे टू में आपका स्वागत है। दोस्तों, बुकिंग पोर्टल अब लगभग हर जगह ओपन हो गए हैं और भाई साहब यकीन नहीं करोगे, जहां भी ओपन हो रहे हैं सो हाउसफुल जा रहे हैं। जी हां, ये वही मूवी है जिसको भर भर के क्रिटिसिज्म मिल रहा था, जिसको रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप का टैग दिया जा रहा था। तो आज जानेंगे कि एडवांस बुकिंग में कैसी हालत है मूवी की ओवरसीज में और इंडिया दोनों जगह में, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप भी आदिपुरुष के रिलीज होने का इंतजार काफी लंबे समय से कर रहे थे और प्रभास के डाई हार्ट फैन हैं तब, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओम राउत के डायरेक्शन में लगभग 700 करोड़ के टोटल खर्चे में बनने वाली आदिपुरुष को 16 जून को सिनेमाघर में रिलीज कर दिया जाएगा और मूवी का बेसब्री से लोग इंतजार भी कर रहे हैं, साथ ही दूसरी तरफ लोग इसका कड़ा विरोध भी कर रहे हैं। तो मूवी फुल क्रिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी में लगातार सर्वाइव कर रही है और ना हारने वाले जुनून के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए सर्वाइव कर रही है और इस फिल्म ने काफी ऑडियंस का दिल भी लूट लिया है, जिसका जीता जागता सबूत एडवांस बुकिंग से पता लग रहा है। और आज ऐसा धमाकेदार रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया है किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी। जी हाँ, कल इसी टाइम बुक माई शो में लगभग 4,92,000 का इंटरेस्ट शो हो रहा था आदिपुरुष का, तो आज मात्र 24 घंटे में ही ये आंकड़ा बहुत ऊपर आ गया और लगभग 5,85,000 का इंटरेस्ट शो हो रहा है, जो कि एक ह्यूज अचीवमेंट है एक ऐसी फिल्म के लिए जो सिनेमाघर में रिलीज तक नहीं होने दी जा रही थी। दोस्तों, किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी आदिपुरुष इतने बड़े आंकड़े को कलेक्ट कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, कई इंडियन प्लेसेस पर एडवांस पोर्टल ओपन होते ही हाउसफुल का बैनर लगा के लिमिट को रोकी गई। सबका यही सोचना था कि जैसे तैसे लागत निकाल लेगी, लेकिन ऐसे बंपर ओपनिंग लेगी किसी ने भी नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, मूवी को 2D, 3D और IMAX स्क्रीन पर रिलीज कराया जाएगा। बता दूं तो मूवी हिंदी और तेलुगु भाषा में ऑफिशियली शूट करी गई है, जिसमें से कन्नड़ा, तमिल और मलयालम में आपको डबिंग करके दिखाया जाएगा। जी हां दोस्तों, फिल्म को पूरे भारत में पांचों लैंग्वेज में लगभग 6200 से 6500 स्क्रीन्स पर रिलीज करा जाना है, जिसमें से हिंदी बेल्ट को लगभग 4000 स्क्रीन्स दी गई हैं, जो कि एक ह्यूज नंबर है। दोस्तों, हेटर्स और बहुत से लोगों का कहना था कि मूवी इंटरनेशनली तो चलने से रही, ये इंडिया में ही चल जाए, लेकिन इसका पूरा उल्टा हुआ। यस, ओवरसीज में बहुत अच्छा ग्रोथ करती नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, बात करें वर्ल्ड वाइड बुकिंग की तो यस, यूएसए में मूवी फाड़ रही है। क्या सॉलिड ग्रोथ देखने को मिल रही है अमेजिंग। जी हां, लगभग 12,500 से ऊपर टिकट बेचकर लगभग $2.5 लाख से ऊपर कमा चुकी है मूवी अभी तक। बाकी ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, न्यूजीलैंड में भी अच्छी ग्रोथ तो कर रही है, पर उस हद तक नहीं कर रही है जितनी की जरूरत है। कल के और आज के आंकड़ों में बस थोड़ा ही फर्क है। बात करें इंडिया में कैसी ग्रोथ है, क्या सिनेरियो है, तो यस, बात करें पहले हिंदी बेल्ट की तो दोस्तों लगभग 1.6 करोड़ का कलेक्शन 3D स्क्रीन से कर लिया है अभी तक, लगभग 46,000 से ऊपर टिकट बेचकर। वहीं 2D स्क्रीन से लगभग 5.7 लाख का कलेक्शन कर लिया है 4,000 टिकट बेचकर, और तेलुगु 3D से लगभग 34 लाख का कलेक्शन कर लिया है लगभग 11,000 से ऊपर टिकट सोल्ड आउट करके। मलयालम 3D से लगभग 26,000 कलेक्शन कर लिया है, वो भी अराउंड 105 टिकट सोल्ड आउट करके। तमिल से लगभग 20K कलेक्शन अराउंड 200 टिकट सोल्ड आउट करके। टोटल नंबर की अगर बात करूं तो लगभग 2 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन ये अभी तक अपने एडवांस से कर चुकी है। अगर ऐसे ही ग्रोथ करती रही तो KGF, RRR और पठान जैसी फिल्मों के साथ ये अपनी भी जगह बना लेगी। बाकी एक अपडेट बड़ी ही प्यारी निकल कर आ रही है मूवी के फेवर में आदिपुरुष की तरफ से। कल मैंने कहा था ना कि फैंस जो है ना अपने फेवरेट स्टार की मूवी को ग्रो कराते हैं, लाइक पठान के टाइम पे हैशटैग चलाया गया था #FirstDayFirstShow, ऐसे ही भोला के टाइम पर हैशटैग चलाया गया था #FirstDayFirstShow, लेकिन आदिपुरुष की तरफ से कल ट्विटर पर देखने को मिल रहा था कि #WithFamily, तो ये भी काम कर जाएगा। बाकी इसी के साथ #16June भी चलाया जा रहा है, लेकिन #AdiPurushFirstDayFirstShow भी चल गया तो फिर मूवी को ब्लॉकबस्टर हिट होने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। बाकी आगे देखते हैं 16 जून को और क्या क्या होता है। लेकिन खत्म करने से पहले एक सवाल आप लोगों के लिए ये है कि आपको क्या लगता है, मूवी वाकई में हिट जाएगी या बिग फ्लॉप जाएगी? दूसरा, मूवी रिलीज होने का आप लोगों को कितना इंतजार है? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।